हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आजकल तो टाइम भी वैसा है, पढ़ाई चलनी भी अच्छी चाहिए क्योंकि पीक टाइम चल रहा है हमारा स्टडीज का। अगले महीने पेपर आने वाले हैं, सीए इंटरमीडिएट के भी, सीए फाउंडेशन के भी, एज वेल एज सीए फाइनल के भी। दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर अटेम्प्ट इन नवंबर 2019। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंट्स। आपका अकाउंट्स का पेपर किस हिसाब का होने वाला है? देखिए, दिस इज द राइट टाइम कि मैं आपसे ये वीडियो शेयर करूं क्योंकि यही एक ऐसा टाइम होगा जब आप लोगों का कोर्स, या तो कुछ बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, वो रिवीजन स्टार्ट कर दी होगी, या फिर कुछ बच्चों का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा और वो रिवीजन स्टार्ट करने वाले होंगे। तो एक हम एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न किस हिसाब से होने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इस अटेम्प्ट के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं, दिस इज नॉट कंफर्मेशन, दिस इज माय पर्सनल एक्सपेक्टेशन और विच डिपेंड्स ऑन पास्ट पेपर एनालिसिस। मैंने कुछ पिछले तीन पेपर को एनालाइज किया और उसके हिसाब से मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन निकाली है कि इन इन चैप्टर में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इवन मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर में से कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है जी, अगेन दिस इज अ एक्सपेक्टेशन वीडियो, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप इसको फॉलो करके आपको मोर और लेस एग्जाम में इसी टाइप का पेपर दिखने वाला है। चलिए जी, पहले मैं आपके साथ एक डिस्कशन दूंगा कि पास्ट अटेम्प्ट्स में क्या हुआ और अब क्या होने वाला है, फिर हम जाएंगे इंडिविजुअल टॉपिक वाइज कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो पहले मैं आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करता हूं। चलिए जी, देखिए जी, ये मैंने कुछ एनालिसिस बनाया है। हाँ जी, स्टार्टिंग फ्रॉम मे 2018, आप लोगों का पहला अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन का था मे 2018 में। अगर मैं फिर उसके बाद नवंबर 18, फिर उसके बाद मे 19, तीन अटेम्प्ट हो चुके हैं अभी तक के। क्वेश्चन वन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है। चलिए पहले एक काम करते हैं, हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं, पेपर पैटर्न किस हिसाब से होता है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर वन ये आपका कंपलसरी होता है, 20 मार्क्स। इसमें तीन पार्ट होते हैं, ए बी सी। ए 12 मार्क्स, देन 4 मार्क्स, देन 4 मार्क्स। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन फाइव क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एनी फोर क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि 20-20 नंबर के होते हैं। हाँ जी, इन पांच क्वेश्चन में से आपको चार क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 20-20 मार्क्स के होते हैं। बहुत ही कम चांस होते हैं कि एक ही क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ जाए, तो जनरली देखा गया है कि 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर एक क्वेश्चन आता है जिसमें 10+5+5 का रेशियो इंस्टीट्यूट रखता है। ठीक है, 10-10 मार्क्स के तो कई सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 10+5+5 का रेशियो इंस्टीट्यूट पिक करेगा। ठीक है जी, तो ये आपका कुछ पेपर पैटर्न बनेगा। अब हम आते हैं शीट के ऊपर, ये क्या कहती है जी, दिस इज कि आपका क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज योर कंपलसरी, इसमें ट्रू फॉल्स हमेशा आए हैं 12 मार्क्स के, तो इस बार भी ट्रू फॉल्स तो आने ही आने हैं। हाँ जी, इस बार भी ट्रू फॉल्स तो आने ही आने हैं। अब ट्रू फॉल कहां से आएंगे, ट्रू फॉल इज योर कंसेप्ट बेस्ड, ये आपका टोटली कंसेप्ट बेस्ड है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी चैप्टर में से आएगा, ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल से आएगा, ये मिक्स आएगा और देखा जाए तो ये टोटली कंसेप्चुअल होता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है अच्छे से तो ये ट्रू फॉल्स आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद का अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपका थ्योरी क्वेश्चन बनता है। दिस ये थ्योरी क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आ रहा है, तो इस बार भी चार नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और ये चार नंबर का जो थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, या तो ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बन सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर थ्योरी चैप्टर में से आ सकता है जिसमें आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थ्योरी आ सकती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेजेस क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आ सकता है, कोई डिफरेंस आ सकता है बिटवीन, जैसे डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट असेट्स एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी, प्रोविजन एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, या कैपिटल रेवेन्यू का कोई क्वेश्चन आ गया, या कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस पूछ लिया, या किसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर नोट पूछ लिया गया। यहाँ प्रॉपर जो कोर हमारे थ्योरी चैप्टर्स है उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर वन का ही बी सी पार्ट होता है, ये अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। इसमें से अगर मैं एनालाइज करूं तो पहले रेक्टिफिकेशन आया, फिर डेप्शन आया, फिर रेक्टिफिकेशन आया, तो इस बार चांसेस है अगेन या तो रेक्टिफिकेशन का आएगा क्वेश्चन या डेप्रिसिएशन का आएगा, चार नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, और देखिए एक रेक्टिफिकेशन और डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, मतलब अगर यहां पर चार नंबर का क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का आया
तो उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन का आएगा, और अगर यहां पर क्वेश्चन 4 नंबर का रेक्टिफिकेशन का आया तो इस बार क्वेश्चन फिर क्या आएगा, डेफिनेशन का 10 नंबर का क्वेश्चन आया। लास्ट अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट अटेम्प्ट में 4 नंबर का रेक्टिफिकेशन आया था और 10 नंबर का डेफिनेशन आया था। इस बार चांसेस है 4 नंबर का डेप्रिसिएशन और 10 नंबर के रेक्टिफिकेशन के चांसेस बनते हैं इस बार, ठीक है जी, चांसेस यही लग रहे हैं मुझे। उसके बाद बीआरएस का क्वेश्चन हर बार 10-10 मार्क्स का आ रहा है, तो इस बार भी 10 मार्क्स का कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीआरएस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंसाइनमेंट का क्वेश्चन देखिए सर, लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, उससे लास्ट अटेम्प्ट में पूछा था और उससे लास्ट अटेम्प्ट में भी पूछा था, तो इस बार भी चांसेस बनते हैं कंसाइनमेंट का क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। और देखिए इस अटेम्प्ट में ले काफी सारे टॉपिक्स डिलीट भी हो गए, जैसे पहले एक रेशियोज के टॉपिक आते थे 10-10 नंबर के, तो ये रेशियोज के टॉपिक तो इस बार डिलीट हो गया, ये रेशियो यहां से भी कट गया और यहां से भी कट गया। और रॉयल्टीज के क्वेश्चन आते थे, रॉयल्टीज देखो यहां पर रॉयल्टी का क्वेश्चन आया था लास्ट अटेम्प्ट में भी, ये भी इस बार नहीं आएगा। ज्वाइंट वेंचर भी डिलीट हो चुका है, तो ज्वाइंट वेंचर भी नहीं आएगा। तो देखा जाए तो इस बार का जो पेपर है वो आपका बहुत ही कंसेप्चुअल होगा, ये वाले चैप्टर इतने रेलेवेंट नहीं हुआ करते थे क्योंकि जॉइंट वेंचर रॉयल्टी प्रैक्टिकली इंप्लीकेशन इनकी है नहीं, रेशियोज वगैरह आप सी इंटरमीडिएट के एफएम वाले सब्जेक्ट में पढ़ लोगे, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने यहां से डिलीट कर दिए थे। तो इनको रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन तो डाले जाएंगे, अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। देखिए जी कंसाइनमेंट का क्वेश्चन अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा इस बार। उसके बाद एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और पेटी कैश बुक, लास्ट टाइम बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 नंबर का आया, तो इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, पेटी कैश बुक के क्वेश्चन से। चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि इस बार पेटी कैश बुक का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा, ठीक है जी। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, देखिए ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, एवरेज ड्यू डेट बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी, एंड स्कोरिंग अकाउंट करंट एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इन 3 चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म है 5-5 नंबर के। देखो एक तो आपको बीच में कई क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का, और इसमें भी इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसमें भी इंस्टीट्यूट देता है अकाउंट करंट दे दिया और उसने सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल का क्वेश्चन दे दिया और उसमें बोल दिया डू एनीवन, या तो अकाउंट करंट देगा या सेल ऑफ गुड्स देगा। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन देता है इंस्टीट्यूट। हां जी, या तो अकाउंट करंट और सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये किसी क्वेश्चन या तो क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में सब पार्ट होगा, पार्ट सी होगा 5 मार्क्स का, इसमें से आपको कोई भी एक करना है एनीवन। और उसके बाद अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में सी पार्ट होने के चांसेस होते हैं, जो यहां पर टॉपिक नहीं आया, दैट इज योर एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। यहां ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज ड्यू डेट और आपका सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल आ जाए, इसमें चॉइस आ जाए, और यहां पर अकाउंट करंट मैंडेटरी हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सर एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट और सेल ऑफ गुड्स में से, इनमें से, इन 3 चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है आएंगे ही आएंगे, तो आपको ये 3 चैप्टर तो अच्छे से कर लेने चाहिए। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर इंस्टीट्यूट आपको चॉइस दे, अगर आप ये बोलो सर मैं इन 3 में से 2 कर लूं, तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है, आप फंस भी सकते हो। कैसे फंस जाओगे, यहां पर इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल आपने सेल ऑफ गुड्स छोड़ दिया और यहां पर इंस्टीट्यूट ने सेल ऑफ गुड्स का क्वेश्चन पूछा और अकाउंट करंट पूछा, तो आप यहां फंस गए, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर है और ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर आप लोगों को कर लेने चाहिए, स्कोरिंग बहुत है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आए पेपर एनालिसिस करते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन हर बार देखिए जी 10-10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस बार भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए जी हर अटेम्प्ट में 10-10 नंबर का क्वेश्चन पार्टनरशिप का आया है, इस बार भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं छोड़ना आपको। अगेन फाइनल अकाउंट्स के इस बार पूरे पूरे चांसेस आने के, लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था फाइनल अकाउंट्स का, उससे लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था फाइनल अकाउंट्स का, और मई 18 में तो सर 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, इस बार 20 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, वो पहला अटेम्प्ट है तो इंस्टीट्यूट ने 20 नंबर का डाल दिया था, लेकिन 20 नंबर का क्वेश्चन वर्थ कोई बनती नहीं है, तो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन अगेन आपका 10 नंबर का क्वेश्चन इस बार भी आएगा। इन्वेंट्री 10 नंबर का क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट इस बार 10 नंबर का क्वेश्चन इन्वेंट्री से पूछ सकता है, क्योंकि सर 10 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टॉक टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो 10 नंबर के अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, 5-5 नंबर के नहीं होते, वो 10 नंबर के अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो इंस्टीट्यूट 10 नंबर का क्वेश्चन वो वाला पूछ सकता है। लास्ट अटेम्प्ट में इन्वेंट्री का क्वेश्चन 5 नंबर का आया था और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, उससे लास्ट अटेम्प्ट में इन्वेंट्री का क्वेश्चन नवंबर 18 में इन्वेंट्री का क्वेश्चन नहीं आया, मई 18 में भी इन्वेंट्री का क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार सर इन्वेंट्री का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको कर लेना चाहिए 10 नंबर के हिसाब से।
एनपीओ का क्वेश्चन, अगेन एनपीओ का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, हमेशा आता है। शेयर कैपिटल 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डिबेंचर्स 5 नंबर का पूछा जाएगा, और देखिए अगेन एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका जो बचता है, जो आपका यहां पर कवर नहीं हो पाया वो मैंने आपका यहां पर कवर कर दिया, और इस बार भी वो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है सर, आपको पता होगा ओवरऑल पेपर 120 का होता है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। एक बार हम देखते हैं इंडिविजुअल, अगर मैं पेपर चलू, इंडिविजुअल अगर मैं क्वेश्चन चलू तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए जी, अगर मैं ट्रू फॉल्स की बात करूं, हाँ जी, अगर मैं ट्रू फॉल्स को लेके चलूं तो आपका जो ट्रू फॉल्स में से, एक सेकेंड लेट मी चेंज द कलर, हाँ जी, जो आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है दैट इज टोटली कंसेप्ट बेस्ड, ये आपका कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है कि सर कौन से चैप्टर में से ट्रू फॉल्स आएंगे, ट्रू फॉल्स किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, थ्योरी में से भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल में से भी आ सकते हैं, क्योंकि वो टोटली कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। उसके बाद आपका थ्योरी का क्वेश्चन, ये मैं कह सकता हूं कि आपका 90% चांसेस है कोर थ्योरी चैप्टर्स, जो आपके कोर थ्योरी चैप्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसमें से भी सर आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स अच्छे से कर लेने चाहिए, डिफरेंसेस अच्छे से कर लेने चाहिए, और आपको सर जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, प्रोविजंस है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है, इन सब के ऊपर एक ओवरव्यू जरूर देना चाहिए कि ताकि आप थ्योरी को अटेम्प्ट कर पाओ। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन वन में या तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आएगा या डेप्शन आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है 4 नंबर का, और जो क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया उसका दूसरा क्वेश्चन फिर आएगा 10 नंबर का। जैसे अगर रेक्टिफिकेशन 4 नंबर का पूछा इंस्टीट्यूट ने तो 10 नंबर का डेप्शन पूछेगा, और अगर डेप्शन 4 का पूछा तो 10 नंबर का रेक्टिफिकेशन पूछेगा। इस बार मुझे लग रहा है कि रेक्टिफिकेशन आपका आएगा 10 मार्क्स का और डेप्शन पूछेगा 4 नंबर का। सर अगर रेक्टिफिकेशन 10 मार्क्स का आता है तो रेक्टिफिकेशन में से कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। देखिए रेक्टिफिकेशन 10 मार्क्स के लिए प्रॉपर क्वेश्चन बनता है जो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट वाला होता है, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हुई, मतलब गलतियां पकड़ी गई, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, थ्रू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर अगर वो बिफोर ट्रायल बैलेंस पूछता है तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होगा, तो फिर आपसे वो पूछ सकता है कि प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट ऑल्सो, सस्पेंस अकाउंट का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डेप्रिसिएशन जो 4 नंबर का क्वेश्चन, जहां तक मुझे लगता है तो डेप्शन में से 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट, दैट विल बी एक जैसे चेंज इन मेथड था, चेंज इन मेथड के ऊपर सिर्फ वो कैलकुलेशन पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, या कोई डेप्शन अकाउंट भी पूछ सकता है, चेंज इन मेथड, चेंज इन लाइफ, चेंज इन स्क्रैप वैल्यू, ये सब के जो चेंजेस है इनको कैसे एडजस्ट करोगे और रिवाइज डेप्शन कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी स्टडी मैट में आप देखोगे तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि पहले 3 साल तक चलता रहा, उसके बाद फोर्थ ईयर में जाके लाइफ चेंज हो गई है तो फिफ्थ ईयर का डेप्शन क्या होगा, या फोर्थ ईयर के एंड में जाके मेथड चेंज हो गया तो फिफ्थ ईयर का डेप्शन क्या होगा। इस टाइप के डेप्शन के कैलकुलेशन के क्वेश्चन 4 नंबर के प्रॉपर बन सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कंसाइनमेंट, बच्चे जी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस बार, करके जाना अच्छे से। इसमें जहां तक मुझे लग रहा है एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस प्लस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ये तीनों चीजें जरूर इंस्टीट्यूट डाल देगा। नॉर्मल लॉस डाले ना डाले, एबनॉर्मल लॉस प्लस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी ये तो डालेगा ही डालेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट का अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट, ये आपसे पूछेगा इंस्टीट्यूट। ठीक है, नॉर्मल लॉस भी पढ़ जाना, नॉर्मल लॉस का भी एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की मटेरियल में है, वो आप कर लेना, वो भी पूछने के चांसेस बनते हैं। पेटी कैशबुक मुझे लग रहा है इस बार आ जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, पेटी कैशबुक बहुत ईजी है, लेकिन उसकी क्लोजिंग ध्यान रखना कि उसको क्लोज कैसे करते हैं। मार्क्स बच्चों के वहीं पर ही करते हैं कि हाउ टू क्लोज द पेटी कैशबुक, तो वो आपको क्वेश्चन अच्छे से कर लेना चाहिए। उसके बाद सर ये 3 चैप्टर, इनमें से सर 2 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म है, लेकिन आप तीनों कर लीजिएगा, तीनों बहुत आसान चैप्टर हैं, बिल्कुल मत छोड़िएगा। 8-8, 10-10 क्वेश्चन है तीनों चैप्टर में, अच्छे से इनको करके चलिएगा। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत लिमिटेड है। उसके बाद पार्टनरशिप, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, इस बार भी आएगा। इसमें आपका एडमिशन से क्वेश्चन आ सकता है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट के क्वेश्चन ये भी इंस्टीट्यूट ने डाले हुए हैं वो भी आ सकते हैं। डेथ का भी क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछा जा सकता है 10 नंबर का, क्योंकि 10 नंबर के लिए प्रॉपरली वैलिड है। अगर एडमिशन आएगा तो एडमिशन आपको करना है, रिटायरमेंट भी आ सकता है, डेथ भी आ सकता है। अगर एडमिशन प्लस रिटायरमेंट का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो हो सकता है वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट 15 मार्क्स में पूछ ले, तो आप 15 मार्क्स के लिए भी पार्टनरशिप को तैयार करके जाइएगा। ठीक है जी,
उसके बाद फाइनल अकाउंट्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा विद एडजस्टमेंट्स। जनरली फाइनल अकाउंट फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज ही आता है, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज भी दे रखा है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। नॉन मैन्युफैक्चरिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा। एनपीओ अगेन 10 मार्क्स का, इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग है वो आपको अच्छे से करनी है, प्लस जो आपकी अदर एडजस्टमेंट है लाइक सब्सक्रिप्शन एक्सपेंसेस, इन सबको अच्छे से डील करके चलना है। ये आपका जो फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन होता है इन ए केस ऑफ एनपीओ, वो आपके क्वेश्चन आएंगे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में मुझे जहां तक लग रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए अगर पार्टनरशिप का इंस्टीट्यूट 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर रिडक्शन करनी पड़ेगी, हमें 5 नंबर पे लेके आनी पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप 10 नंबर का पूछेगा तो जहां तक मुझे लग रहा है कि 10 नंबर का इन्वेंट्री भी पूछ लेगा। अगर 10 नंबर के इन्वेंट्री की बात करूं तो इन्वेंट्री टेकिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इन्वेंट्री टेकिंग, जिसमें आपको वो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल की भी एडजस्टमेंट डालेगा एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की भी एडजस्टमेंट डालेगा। बच्चे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका फाइनल अकाउंट्स में भी यूज होता है, पार्टनरशिप में भी यूज होता है, एनपीओ में भी यूज होता है, इन्वेंट्री में भी यूज होता है, हर जगह आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स यूज होता ही होता है। तो उसको बहुत ही अच्छे से आपको करना है, दैट इज योर बेस चैप्टर। अगर आपका वही चैप्टर क्लियर नहीं है तो आप किसी भी चैप्टर में रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, उसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है जी, कोशिश रही, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा रेक्टिफिकेशन की रिवीजन वीडियोस में यूट्यूब पे डालने की, और जल्दी मैं प्लान कर रहा हूँ कि रेक्टिफिकेशन की वीडियोस में यूट्यूब में डाल दूंगा। होप सो मैं उसमें सक्षम रहूंगा और मैं डालने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो इन्वेंट्री टेकिंग का विद सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के एडजस्टमेंट 10 नंबर का अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। अगर 5 नंबर का इंस्टीट्यूट इन्वेंट्री से क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपसे एबनॉर्मल लॉस का पूछ सकता है कि एबनॉर्मल लॉस को कैसे, एबनॉर्मल आइटम को कैसे ट्रीट करेंगे, या फिर वो स्टॉक रजिस्टर स्टॉक लेजर जो हम बनाते हैं फीफो मेथड वेटेड एवरेज मेथड, ये भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक आया नहीं है लेकिन हो सकता है आ जाए, तो आपको करके चलना पड़ेगा। उसके बाद आपका शेयर कैपिटल, अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में से इंस्टीट्यूट जो पूछे जा रहा है उसने एक बार प्रोडाटा पूछा, फिर उसने री इश्यू वाली एंट्रीज पूछ ली। ठीक है, तो आपका इस बार कुछ भी आ सकता है सर, प्रोडाटा भी आ सकता है, री इश्यू भी आ सकता है। जहां तक मुझे लगता है आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट में उसने इंस्टीट्यूट ने पूछी है री इश्यूज की एंट्री, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर की एंट्री, तो इस बार इंस्टीट्यूट हो सकता है प्रोडाटा पूछ ले। ठीक है, तो बेसिकली आपको दोनों करने चाहिए, ये चैप्टर बहुत आसान है, नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, री इश्यू फॉरफिटेड आपको दोनों आने चाहिए एंड प्रोडाटा भी। डिबेंचर्स की अगर मैं बात करूं तो डिबेंचर के सर बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, डिबेंचर के इंस्टीट्यूट या तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के पूछ लेगा, डिस्काउंट कैसे राइट ऑफ होता है, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विद टीडीएस, जो एंट्रीज चली हुई है ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विद टीडीएस, वो पूछ सकता है। अच्छा, मेरे को याद आया, शेयर कैपिटल में जो अभी आपका जो लास्ट अटेम्प्ट गया जून में, उसमें इंस्टीट्यूट ने कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन पूछा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कॉल्स इन एरियर्स प्लस कॉल्स इन एडवांस का, तो वो भी आपको करना चाहिए। अगर वो लास्ट अटेम्प्ट में कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एडवांस का आया है तो इस बार चांसेस है प्रो राटा या री इशू में से क्वेश्चन आने के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकते, ये भी आ सकता है, लेकिन चांसेस कम हो सकते हैं। और डिबेंचर्स की अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट और टीडीएस वाले जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा कुछ एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न था। अब बच्चे पूछेंगे सर हम कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं, देखिए छोड़ेंगे तो अपने रिस्क पे, हाँ जी छोड़ेंगे तो अपने रिस्क पे, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कोई चैप्टर छोड़ेंगे। आपको इन 3 चैप्टर में से चॉइस होती है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और एनपीयू, इनमें से आपको चॉइस होती है कि आप एक क्वेश्चन एक चैप्टर को थोड़ा सा लाइट रख सकते हैं, और कोई चैप्टर नहीं छोड़ने बिल्कुल भी, ये ध्यान रखिएगा सर, भूल के भी रेक्टिफिकेशन नहीं छोड़ना, बीआरएस नहीं छोड़ना, डेप्सन नहीं छोड़ना, एवरेज ड्यूटेड अकाउंट एंड सेल गुड्स सेल ऑफ गुड्स नहीं छोड़ना, कंपनी अकाउंट्स नहीं छोड़नी, ये अच्छे से आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये ज्यादा स्कोरिंग है। अब जो आपके लेंथी चैप्टर बचते हैं दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ, इन 3 चैप्टर में से आप एक चैप्टर को थोड़ा सा लाइट रख सकते हैं अपने रिस्क पर, क्योंकि सर ऐसा होता है, देखो पार्टनरशिप ये सब अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग क्वेश्चन में आएंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपको एनपीओ भी नहीं आता और पार्टनरशिप भी नहीं आता और वो दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इनबिल्ट होकर आ गया, 10 नंबर का वो 10 नंबर का वो, तो किस्मत अच्छी है, बाकी पेपर आप इजीली कर जाएंगे। लेकिन इसमें आपके पास चॉइस क्या होती है कि आपको एक चैप्टर को थोड़ा सा लाइट रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनपीओ आपने लाइट रख लिया, आपको नहीं समझ में आता एनपीओ, कोई बात नहीं, हल्का
ओवरव्यू लेके जाइए, ज्यादा डिटेल में मत पढ़िए, ओवरव्यू लेके जाइए। तो एनपीओ के साथ जो क्वेश्चन होगा तो वो आपका रिस्क है कि हो सकता है आपको वो क्वेश्चन आता हो तो मजबूरन आपको वो छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो आपको पेपर का डिसीजन बहुत ही वाइजली लेना पड़ेगा कि मेरे को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये मेरा कुछ मेरी पर्सनल एनालिसिस थी जो आपको हेल्प करेगी टू रिवाइज योर सिलेबस। हाँ जी, अब पेपर सर हमें किस टाइप से करना चाहिए, देखिए क्वेश्चन नंबर वन दैट इज योर कंपल्सरी क्वेश्चन, इसको कभी भी स्टार्टिंग में मत कीजिएगा, इसको स्टार्टिंग में मत करना, ये आपके ट्रू फॉल्स है, ये टाइम सेविंग में मदद करेंगे आपको। हमेशा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एक दो, हाँ इन पांच में से चार क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मस्ट डू, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 आपको जरूर 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 करना है, क्योंकि इसमें सर तीन पार्ट्स होते हैं, शेयर कैपिटल होता है, डिबेंचर्स होता है, और एक छोटा सा चैप्टर होगा एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट सेल ऑफ गुड्स का। तो ये चैप्टर आपको नहीं छोड़ना, ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि शेयर कैपिटल डिबेंचर आपको अच्छे से करना है, बहुत स्कोरिंग है, और साथ में आपका वो छोटा सा चैप्टर मिल जाएगा आपको एवरेज ड्यू डेट वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 6 मस्ट डू। उसके बाद देखा जाए तो चॉइस आपको इन चार क्वेश्चन में से आपको कोई भी तीन करने चाहिए, मेरे हिसाब से इन चार में से आपको तीन करने चाहिए। तो इन चार में आपको किसी में पार्टनरशिप दिखेगा, किसी में फाइनल अकाउंट दिखेगा, किसी में एनपीओ दिखेगा। तो जो चैप्टर आपको दिक्कत देता है वो क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एनपीओ का दिक्कत देता है तो एनपीओ को आप स्किप कर सकते हैं अपने रिस्क पर, ठीक है जी। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आप एनपीओ स्किप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप एनपीओ को स्किप करिएगा। बताइए जी, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ जी। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करना चाहते हैं 3 से कीजिए, 4 से करना चाहते हैं 4 से, 5 से करना चाहते हैं 5 से, 6 से करना चाहते हैं 6 से। मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए तो 6 से शुरुआत कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, देखिए शुरुआत हमेशा वही होती है, अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन आपको परफेक्ट आता है, हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 1 परफेक्ट आता हो तो क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 आता हो परफेक्ट 6 कर दीजिए, जो भी परफेक्ट आता हो वो शुरू कीजिए। लेकिन एक सीक्वेंस मेंटेन कीजिएगा, सीक्वेंस मींस जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए फिर बी। पेपर बहुत अनटाइडी लगता है कि क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चे ने बी कर दिया, जो मैं देखता हूं पेपर क्वेश्चन 6 का बी करा, उसके बाद क्वेश्चन 5 का ए करा, फिर क्वेश्चन 4 का बी करा, इस टाइप से बच्चे पेपर करते हैं। देखिए बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा वो, दैट इज नेगेटिव इंपैक्ट। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 शुरू कर रहे हो तो उसके दोनों पार्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं, ए और बी। हो सकता है सर आपको कि ए पार्ट अभी नहीं आता, कोई बात नहीं सर, उसकी स्पेस छोड़ दीजिए, इतना तो अंदाजा होता ही है कि हमें कितनी स्पेस चाहिए, एक पेज, डेढ़ पेज, दो पेज, कोई बात नहीं सर, लीव दैट स्पेस, उतना स्पेस छोड़िए और बी पार्ट पे आ जाइए, ठीक है जी। इस हिसाब से आपको पेपर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका थ्रू पॉज का होता है उसको बीच में अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो टाइम सेविंग होगा। जब आपको लगेगा कि आपको पेपर थोड़ा सा आपका स्लो जा रहा है तो इमीडिएटली थ्योरी को पिक कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, करना ही करना है, वो स्किप नहीं कर सकते। फर्स्ट 15 मिनट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको डिसीजन मेकिंग कर दिया कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। हमेशा 15 मिनट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप करके बाकी क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इनको आपको पहले 15 मिनट में पढ़ना है और ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया स्किप करने का, बाद में आप उसको चेंज मत कीजिएगा। जैसे आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा समझ में, 2 को वहीं पर ही काटा लगा दीजिए। एग्जाम करते हुए देखा, अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा लेंथी जरूर रहता है, तो एग्जाम पेपर सॉल्व करते समय आपको वो डिसाइड नहीं करना है कि मेरे को 2 से शिफ्ट करके 3 पे जाना है, 3 से शिफ्ट करके 4 पे जाना है। यही बच्चे गड़बड़ी करते हैं और पेपर उनका छूट जाता है, ठीक है। तो डिसीजन आपको फर्स्ट 15 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें लीजिएगा। 15 मिनट्स में कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो वैसे ही कंपलसरी है, वो तो आपको बाद में देख लेना है, वो तो आपको करना ही करना है ना, उसमें कोई चॉइस नहीं है। पहले आपको चॉइस वाला क्वेश्चन हटाना है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, ये आपको 15 मिनट्स यूटिलाइज करने हैं अच्छे से, ठीक है जी। नीट एंड क्लीन पेपर कीजिएगा, जितना अच्छा पेपर करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। फॉर्मेट्स पे पूरा ध्यान दीजिएगा, जर्नल के फॉर्मेट्स बनाइएगा, नरेशंस लिखेगा जहां पर रिक्वायर्ड है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है, जनरली रेक्टिफिकेशन में क्वेश्चन देता है कि विदाउट नरेशन आप एंट्रीज पास कर दीजिए, तो आप वहां पर नरेशन मत दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है और लिखा हुआ है उसमें विदाउट नरेशन और नरेशन लिखे जा रहे हैं, सर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद का टाइम खराब कर रहे हो,
ठीक है जी। तो जहां पर आपको गिवन है कि नरेशन नहीं देनी है तो मत दीजिए ना, क्वेश्चन को क्लियरली अच्छे से पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बच्चे बहुत करते हैं। जैसे देर का होता है जीपी रेशियो इज 25%, तो बच्चे सोचने लग जाते हैं कि जीपी रेशियो क्या है, सेल्स में है या कॉस्ट में है। अरे जीपी रेशियो तो हमेशा सेल्स में ही होती है, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। वहां पर अगर दे रहा होगा कि प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑन कॉस्ट, तो अंडरलाइन कर लीजिए क्या कि 25% ऑन कॉस्ट है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि मुझे सेल का चाहिए या कॉस्ट का चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट वहीं पर ही आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? चलिए जी। सो ये मेरी कुछ पर्सनली एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसा आपका पेपर होने वाला है। हाँ जी, आई होप इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको रिविजन करने में। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको मेरी इंफॉर्मेशन, जो मेरी हेल्प है, वो पहुंच जाए। ठीक है जी। मेरे चैनल को अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो का थोड़ा सा लाइक टारगेट रख लेते हैं। आई वॉन्ट की मोर देन 200 लाइक्स। अभी सर मैं इतना बड़ा नहीं हुआ यूट्यूब चैनल पे, मेरे अभी कम सब्सक्राइबर है, आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए तभी मेरे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे। तो मैं भी उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरे 200 लाइक्स हो जाएंगे। अभी सिर्फ सर 550 सब्सक्राइबर है, झूठ नहीं बोलना, 550 सब्सक्राइबर्स हैं। मैं चाहता हूँ ये जर्नी मेरी थोड़ी आगे तक चली जाए, तो इसको लाइक टारगेट हम रख लेते हैं सिर्फ 200 लाइक्स का। धीरे 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 सर प्रोग्रेस करेंगे, देखो अभी छोटी शुरुआत है, धीरे 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 हम करते चले जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब मैंने अभी शुरू किया है। पहले भी मेरा था, लेकिन मैं थोड़ा सा पर्सनली बोलूं तो मैं उस पर कंसिस्टेंट नहीं था, मेरी खुद की कमी थी कि मैं उस पर वीडियोस ज्यादा पोस्ट नहीं कर पाता था, टाइम की कुछ अनअवेलेबिलिटी होती थी, और कुछ पर्सनली मैं खुद भी नहीं कर पाता था। ठीक है जी। तो अब मैं पूरी कोशिश रखूंगा कि आपको जल्दी जल्दी बैक टू बैक वीडियोस देता रहूं, ताकि मेरे चैनल पे थोड़े बहुत बच्चे जुड़ जाए। मेरा टारगेट रहेगा सर अपने चैनल पे सीए के स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज योर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब मैं पढ़ाता हूँ, एफआर वगैरह भी पढ़ाता हूँ फाइनल लेवल पे, तो इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। ठीक है जी। चलिए फिर, आई होप इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से एनालाइज करेंगे। अच्छा, जो मैंने पीडीएफ शीट बनाई है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, मेल आईडी वगैरह तो मैं देता ही हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगा, और ये पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी दिक्कत परेशानी है, कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।